गोल्डी ब्राड, उसको अमेरिका में डिटेन कर लिया गया है। कम जो मजामा भाई लोग, पंजाब पुलिस, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स HETF, दिल्ली STF, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, NIS, CBI और इंटरपोल। अरे मामा, इतनी सारी पुलिस फोर्स, खुफिया एजेंसियां, इतने सारे संगठन बीते 7 महीनों से एक गैंगस्टर को पकड़ने में लगे थे। वह गैंगस्टर जिसने पूरे पंजाब समेत अक्के हिंदुस्तान को अपने वैसीपन से हिला दिया। इस गैंगस्टर ने अक्के पंजाब में अपराध को अलग ही दिशा दी। बीते कुछ महीनों में उसने एक के बाद एक वारदात को अंजाम दिया। देश ही नहीं बल्कि अक्की दुनिया को इंतजार दागी वो कब पकड़ा जाएगा, कब उसे गुनाहों की सजा मिलेगी। भाई लोग, लोगों के दिल में इतनी दहशत पैदा करने वाले का नाम है गोल्डी बराड। वह गोल्डी बराड जिसने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की निर्मम तरीके से दिन दहाड़े हत्या करवाई। वह गोल्डी बराड जो हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर भी हिंदुस्तान में जब चाहे किसी को भी मरवा सकता था, क्योंकि उसने पूरे पंजाब में अपना खतरनाक क्राइम सिंडिकेट बनाया। ये वही गोल्डी बराड है जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे बड़ा हथियार है और मूसेवाला हत्याकांड का सबसे बड़ा साजिश करता। लेकिन मेरे वीरो, मूसेवाला के बहन्स, मूसेवाला के माँ बापू और जो लोग गोल्डी बराड के शिकार हुए, उन सब के परिवार के लिए खुशखबरी है कि गोल्डी बराड पकड़ा गया। और देश ही नहीं, दुनिया के हर न्यूज चैनल पर आपने यह खबर देखी होगी, क्योंकि गोल्डी बराड का पकड़ा जाना अपने आप में एक चमत्कार है। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया वो किस तरह से पकड़ा गया, उसको पकड़ने के वास्ते किस तरह की प्लानिंग बनी थी। और देश के बड़े बड़े अफसरों ने कई महीनों से रात दिन एक कर दिए थे। क्यों? क्योंकि गोल्डी बराड को पकड़ना था। तो मेरे वीरो, मैं गुज्जू भाई बताएंगा, अखिल मूसेवाला का हत्यारा, देश का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल गोल्डी बराड कैसे पकड़ा गया, कहां से पकड़ा गया, कौन से सिटी से पकड़ा गया और उसको पकड़ने के वास्ते किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की तकनीक का यूज किया गया था, ये सारी बातें जाननी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे, क्योंकि मामा उसे पकड़ने के वास्ते जो प्लानिंग बनी थी ना, बोले तो एकदम खल्लास थी। भाई लोग, पंजाब के रिटायर्ड पुलिसमैन शमशेर सिंह का लाडला सतिंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड पंजाब के कोटकपुरा के गांव में जन्मा, लेकिन कई सालों से उसका परिवार मुक्तसर में रहता था, तो गोल्डी बराड भी वहीं पला बढ़ा। जैसे ही उसकी कॉलेज लाइफ खत्म हुई कि गैंगस्टर वाली जिंदगी ने दस्तक दी, वह सोपू ग्रुप को सपोर्ट करने अक्सर DAV कॉलेज आया करता था, जहाँ उसके साथ उसका चचेरा भाई गुरलाल बराड भी रहता था। लेकिन इसी दौरान वह लॉरेंस के संपर्क में भी था और यारी दोस्ती में लॉरेंस बिश्नोई का साथ देने लगा। धीरे धीरे अपराध के दलदल में फंसता चला गया। फिर क्या, बिश्नोई गैंग की कमान भी संभाल ली, क्योंकि उस वक्त लॉरेंस बिश्नोई राजस्थान जेल में बंद था, तो पैसों का सेटलमेंट, रंगदारी वसूली, जमीन कब्जा और गैंग में नए नए छोकरे लोग को भर्ती करने जैसा काम गोल्डी बराड संभालने लगा था। अब पंजाब उसके लिए सेफ नहीं था, तो वह कनाडा चला गया। उसने कनाडा को अपना अड्डा बनाया और गैंग को ऑपरेट करना जारी रखा। साल 2021 में उसके भाई गुरलाल बराड की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की भी हत्या कर दी जाती है। मरने वाले दोनों शख्स लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड से जुड़े थे और दोनों की हत्या दविंदर बम्बिया गैंग ने करवाई थी। लेकिन इस हत्याकांड की साजिश में गोल्डी बराड को मूसेवाला पर शक था। शक के आधार पर बिश्नोई और गोल्डी बदला लेना चाहते थे। और फिर 29 मई की शाम पंजाब के मानसा के गाँव जवाहर में मूसेवाला की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। फिर क्या हुआ, आखा हिंदुस्तान जानता है। सारे शूटर पकड़े गए, लॉरेंस बिश्नोई से महीनों तक पूछताछ चली। लेकिन इस पूरे हत्याकांड की साजिश रचने वाला मुख्य किरदार गोल्डी बराड अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर था। इसी बीच उसने दविंदर बम्बिया गैंग के मेंबर मनदीप मनाली को फिलीपींस में मरवाया, फिर डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी प्रदीप कुमार की हत्या करवाई। मूसेवाला के बाद इन दोनों हत्याकांडों को अंजाम दिया, जिस कारण लोगों को कानून व्यवस्था पर से भरोसा उठ चुका था। पुलिस पर पूरा दबाव बना हुआ था और लोग एक ही उम्मीद में बैठे थे कि
कब गोल्डी बराड पकड़ा जाएगा। कुछ लोग ये भी मानते थे कि गोल्डी बराड जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिलवाता है शायद उसे पकड़ना असंभव है। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि गोल्डी बराड के गिरिबान तक पहुंचने जुलाई महीने से ऑपरेशन शुरू हो चुका था और कल से आप लोग न्यूज देख रहे हो कि गोल्डी बराड अमेरिका के कैलिफोर्निया से पकड़ा गया। तो मामा चलो पूरी पिक्चर देखते हैं। दरअसल 29 मई को जब मुसेवाला हत्याकांड हुआ फिर जिस अंदाज में लाइव आकर गोल्डी बराड ने मुसेवाला हत्याकांड की जिम्मेवारी ली उस वक्त वह कनाडा में बैठा था। लेकिन कनाडा में हालात बिगड़े, गोल्डी के लिए कनाडा अब सेफ न था क्योंकि पुलिस का डर था। वहीं बम्बिया गैंग से भी गोल्डी बराड को खतरा था। फिर गोल्डी बराड कनाडा से कल्टी मार अमेरिका चला गया। इधर जून महीने में पंजाब पुलिस ने इंटरपोल के जरिए गोल्डी बराड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया और इंटरपोल भी गोल्डी बराड के पीछे लग गई। इधर पंजाब पुलिस, केंद्र सरकार, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, NIA, CBI, खुफिया एजेंसियां और AGDF ने एक ज्वाइंट मिशन शुरू किया। मिशन के तहत गोल्डी बराड के फोन से लेकर उसके हर एक मूवमेंट की जानकारी निकाली जा रही थी। वहीं कनाडा और अमेरिका में खुफिया एजेंसियों ने अपने जासूसों को भी एक्टिव कर दिया था। इसी दौरान एजेंसियों को पहली कामयाबी मिली जब गोल्डी बराड अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया के शहर फ्रेस्नो में दिखा। इधर पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की एक यूनिट तैयार की गई जिसे खुद पंजाब पुलिस के DGP डायरेक्शन दे रहे थे और लीड कर रहे थे AIG जनरल गुरमीत चौहान। इधर इंटरपोल भी गोल्डी बराड के पीछे लगी थी। वहीं केंद्र सरकार, अमेरिकन अथॉरिटी पर दबाव बनाए हुए थे, यानी सारी ताकत एक होकर गोल्डी बराड के पीछे लग चुकी थी। इसी बीच दूसरी बार गोल्डी बराड की लोकेशन मिली अमेरिकी राज्य यूटा के शहर साल्ट लेक में। और अब वह दिन भी आ गया जब मुसेवाला को इंसाफ मिलने की उम्मीद जगी। दरअसल 18 से 19 नवंबर के बीच गोल्डी बराड की तीसरी बार लोकेशन मिली। इस बार अमेरिकन अथॉरिटी कोई गलती करना नहीं चाहती थी। पहले गोल्डी बराड की तीसरी और आखिरी लोकेशन थी अमेरिकी शहर सीएट में। सूत्रों के मुताबिक अमेरिकन अथॉरिटी ने 20 नवंबर की शाम गोल्डी बराड को डिटेन किया और उसके अरेस्ट होने के 12-13 दिन बाद हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली कि गोल्डी बराड पकड़ा गया और अमेरिकी जेल में बंद है। लेकिन अभी तक अमेरिकन अथॉरिटी ने आधिकारिक तौर पर इस बात की कोई पुष्टि ना की है। वहीं एक जानकारी यह भी है कि गोल्डी बराड सीएट नहीं बल्कि कैलिफोर्निया के किसी शहर से पकड़ा गया है। खैर गोल्डी बराड पकड़ा तो गया, अब उसे भारत लाने की तैयारी की जाएंगी। आज गोल्डी बराड के पकड़े जाने की खबर सुनकर उनके माँ बापू को खुशी मिली होगी। तो भाई लोग आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।